चल अच्छे से चलेंगे, है ना? दोनों शॉपिंग करेंगे, बहुत मजा आएगा। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हे भगवान, फिर से टोक दिया। क्या प्रॉब्लम है इशिता? एक बुआ अपनी भतीजी को लेकर शॉपिंग पे नहीं जा सकती क्या? अरे दिवाली का मौका है, इसका मूड अच्छा करने के लिए बाहर लेके जा रही थी, क्या दिक्कत है तुम्हें? इशिता जाने दो ने, सिमी तुम दोनों जाओ। थैंक्स भाई, चल। इशिता तो ये बाहर जाएगी, उसका मूड चेंज होगा। तुम बेकार में चिंता कर रही हो, सिमी है ना उसके साथ। कल तक तो सिमी रूही के खिलाफ थी, लेकिन आज इतनी फिक्र उसकी, ऐसे कैसे हो सकता है? आई मिली, मैं कितनी खुश हूँ तुमसे मिलकर। पता है मैं तुमसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहा था। तुमसे फोन में बात करने के बाद आई गॉट सो वरिड, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। आर यू ओके? यस निखिल, आई एम ओके। पता परम, मुझे रूही की इतनी ज्यादा फिक्र हो रही थी ना, मुझे इतना अच्छा लगा जब तुमने कहा कि मैं रूही को यहाँ लेकर आ जाऊँ। क्या करता मैं सिमी, सच में मुझसे इन दोनों का दर्द देखा नहीं गया। एंड ट्रस्ट मी, कल से लेके आज तक मैंने जितनी बात की है ना इस लड़के से, मुझे लगता है कि निखिल बहुत अच्छा लड़का है। हाँ? और वो रूही को बहुत प्यार करता है, और मुझे लगा कि तुम इस बात को समझोगे, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि तुम इन दोनों की मदद कर रहे हो। सिमी अभी देखो, उस घर में तो कोई इनको सपोर्ट कर नहीं रहा है। बच्चे हम लोग, अब हमें उनको सपोर्ट करना हमारा फर्ज है, दूसरा हमें उनका ध्यान भी रखना है। दोनों जवान है, गर्म खून है, तो रूही अपने घर की बच्ची है। खैर ये दोनों जब तक बातें करते हैं, तुम बैठो, तुम्हारे लिए मैं एक कप चाय बनाता हूँ। वैसे भी इस घर में तुम आती हो नहीं, आ जाई हो तो एक कप मेरे हाथों की चाय हो जाए। नहीं नहीं, मैं बनाती हूँ चाय हम दोनों के लिए। सिमी तो पूरी तरीके से शीशे में उतर चुकी है, अब मैं रूही को अपना हथियार बना के घर को तोड़ूंगा। रमन और इशिता के खिलाफ अब मैं उस लड़की को यूज करूंगा जो रमन और इशिता को साथ लाई थी। इशिता शर्ट जल रही है, क्या कर रही है? सॉरी। क्या हुआ ऐसा, क्या सोच रही है तुम? कुछ नहीं, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, आई एम सॉरी। ढक के आती हूँ। बात क्या? मुझे अजीब सा लग रहा है रमन। क्या हुआ बोल ना, मुझसे बोल, क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि सिमी झूठ कह रही है। बस कर यार, सिमी के पीछे पड़ी क्यों झूठ बोलेगी हमसे? फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है। पता नहीं। अंजलि मैं आ, हाँ? कहीं मद्रा सिंह को जो लगता है वो सच तो नहीं है, क्योंकि याद करके उसका हर डाउट सही निकलता है। एक काम करता हूँ, मैं खुद जाके चेक करता हूँ। ठीक है। बार बार पे नाराज हो जाते हैं, अब मुझे ना लग रहा है कि सिमी झूठ बोल रही है, तो लग रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ? क्या करूँ, कंपल्सिव शॉपर हूँ ना। अच्छा सुन, नेक्स्ट वीक हम चलेंगे मॉल फिर से, ओके? मुझे ना नई ड्रेसेस लेनी है अपने लिए। ओके, अच्छा फ्री होके कॉल करती हूँ, बाय। वाह वाह बीवी, कमाल है। मतलब अपने ही कपड़े ठूसते जाओ इस अलमारी में। मतलब मैं तो जैसे इस कमरे में रहता ही नहीं हूँ, कोई देखेगा तो उसको लगेगा दो औरतें रहती है इस कमरे में। मतलब मेरे कपड़े दिख भी नहीं रहे हैं। दिख तो रहे हैं, ये तुम्हारे ही तो कपड़े टंगे हैं यहाँ पे। यार सारी जगह तुम्हारे कपड़े ली हुई है, मेरे कपड़ों की तो जगह भी नहीं है यहाँ पर। ऑफ कोर्स जगह है, तुम्हें दिख नहीं रहे तुम्हारे कपड़े, और तुम्हें पता है कि हमेशा से मेरे कपड़े ज्यादा होते हैं और
तुम्हारे इतने ही होते हैं, पता तो है लड़ क्यों रहे हो। तुम्हारे कपड़े ज्यादा होते हैं मतलब तुम्हारे कपड़े ज्यादा क्यों? तुम ज्यादा कपड़े पहनती हो, मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ तो मेरे कपड़े ज्यादा होने चाहिए ना। लेकिन ये कोई लड़ाई करने वाली बात ही नहीं है, हमेशा से जब तुम्हारे इतने ही कपड़े यहाँ टंगे होते हैं तो उतने ही टंगे है ना, आज कुछ अलग थोड़ी है रोमी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जगह तुम जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रही हो। मेरे कपड़े दिख भी नहीं रहे, मुझे अपने कपड़े नहीं दिख रहे हैं यार। अनबिलीवेबल, मतलब कहाँ है मेरे कपड़े यार? अरे क्या कर रहे हो, तुम पीछे हटो। घूर क्या रही हो? सारे कपड़े। इनफ, अब ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो और ये बताओ कि हुआ क्या है। ये है प्रॉब्लम मीका। ये मीका, तुम छोटी छोटी ड्रेसेस पहन के ना प्लीज ऑफिस में बताया करो यार। वो क्या है ना कि सबकी नजर ना तुम पे रहती है, फिर वो सब तुम्हें देख रहे होते हैं और उनकी आंखें, बड़ा गंदा लगता है मुझे यार, मुझे बहुत अजीब लगता है। तुम देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम छोटी ड्रेसेस ना पहनो, मैं बोल रहा हूँ कि तुम पहनो, बट तुम सिर्फ तब पहनो कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या ना कि तुम मेरे साथ होगी तो तुम्हें सिर्फ मैं ही देखूंगा और कोई नहीं देखेगा। प्लीज यार, ऐसी ऐसी नहीं पहना करो ऐसी ना, प्लीज प्रॉमिस करो, प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज मीका। हो गया, अब मैं कुछ कहूँ? मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब मैंने तुम्हारे फोन में कॉल गर्ल का नंबर देखा तो। कम ऑन मीका, प्लीज यार बस भी करो यार, अब एक ही बात हो पकड़ना। तुम्हें कितनी बार समझाऊं यार, मैं बोला कि वो नंबर मेरा नहीं था, वो शगुन के लिए नंबर मेरे फोन में था, उसके लिए लाया था मैंने। तो मैं ऐसा बंदा लगता हूँ कि मैं कॉल गर्ल्स के नंबर अपने फोन पे रखूं? जो कोई भी रीजन हो, मुझे नहीं अच्छा लगा कि उसका नंबर तुम्हारे फोन में था। तुम्हें नहीं पता, मैं पता बहुत घबरा गई थी, ऐसे अजीब अजीब से ख्याल मन में आ रहे थे कि कहीं कहीं तुम्हारा कोई चक्कर या कुछ हुआ तो। मैंने उस वक्त रियलाइज किया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ रोमी, और मैं अपने प्यार को बांट नहीं सकती। बांटने की बातें नहीं, प्लीज तुम मुझे प्रॉमिस करो, मेरी कसम खाओ कि तुम कभी मुझ पे नहीं चीट नहीं करोगे, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे ना। ये सब बोल भी कैसे सकती हो? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम भी ये सब सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा? एंड ऑल यार मीका, कम ऑन, यू नो हाउ मच आई लव यू, कम ऑन यार, ये सब मत सोचो यार, इट्स ओके, प्लीज चुप हो जाओ। और वो कॉल गर्ल का नंबर भी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा उस कॉल गर्ल का नंबर यार। तुम अभी मेरे सामने मैंने कल मैं ऑलरेडी डिलीट किया हुआ है, मैं कर लिया हुआ है यार, तुम रोना बंद करो यार, इट्स ओके। कॉल गर्ल क्या यार, तुम्हें मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। आज तुम्हारी शगुन मॉम ने तुम पर हाथ उठाया, तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, आई एम सॉरी। निखिल, कैसी बातें कर रहे हो तुम? सॉरी तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए, लाइफ खराब कर दी ना मैंने तुम्हारी, तुम्हारा घर तक छीन लिया तुमसे, सब बिगाड़ दिया मैंने, I'm really sorry, मुझे माफ। बस आज से नो सॉरी नो थैंक यू, आज के बाद हम एक दूसरे से कभी सॉरी नहीं बोलेंगे, ओके? ओके। पता है रवि, मुझे ना एक बात की बहुत खुशी है कि तुम्हारी बुआ और परम जी हमारी हेल्प कर रहे हैं। परम जी काफी अच्छे इंसान है, he has been very nice to me। हाँ, वैसे कुछ टाइम से मैं भी सोच रही थी कि बुआ को अचानक मुझ पे इतनी दया क्यों आ रही है, पर एनीवे आई एम वेरी हैप्पी एज लॉन्ग एज आई गेट टू मीट यू, आई लव यू, आई लव यू। तुम लोग थक गए होगे ना, मैं ना परांठे बना रही हूँ, चलो चल के खा लो फटाफट। हाँ हाँ सिमी बुआ, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ना। अच्छा ये संभाल, मैं आती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है।
जी कितने अच्छे हैं, कितना सोचते हैं सबके बारे में। इन दोनों को भी साथ ले आए वो। अब वो ना कुछ लगा हुआ है, मैं नहीं लेके आता हूँ। अन्य फ्रेंड है ये रमन, यहाँ क्या कर रहा है? परम इसी बिल्डिंग में रहता है, और लेकिन अगर सिमी यहाँ आई है तो उसकी गाड़ी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? थैंक गॉड हम लोग कार नहीं लेके आए, वरना भाई ने तो देखते ही पहचान जाना था। मैं अच्छे से जानती हूँ, ये ना इश्ता के काम है, उसने भेजा होगा जासूसी करने के लिए। लेकिन आप क्या करें, मैं जानता था कुछ ना कुछ गलत तो जरूर होगा। रोहित तुम्हें आज यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। अरे निखिल क्या नहीं आना चाहिए था, अब मैं नहीं डरती हूँ किसी से। रूही इस टाइम जिद पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहती कि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम में पड़े यार। अरे अभी बहस करने की जरूरत नहीं है, पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम कर क्या सकते हैं। मैं नीचे जाता हूँ, अगर रमन ऊपर आता है तो तुम लोग अंदर चले जाना, कोई भी उसके सामने नहीं आएगा। चलो। रमन तुम यहाँ कैसे? यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलो। अच्छा कुछ काम था इस एरिया में जो गुजर रहे थे? हाँ मेरा एक सप्लायर इस एरिया में रहता है, उससे मीटिंग थी मेरी तो इसलिए। ओह अच्छा, तुम आज घर पे कैसे? हाँ वो एक्चुअली निखिल है ना घर पे, तो घर पे कोई सामान है नहीं, ग्रोसरी वेजिटेबल्स, तो बस वही लेने के लिए निकला हुआ था। अब मैं तो अकेले रहता हूँ, मुझे तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कोई और है घर पे तो मैंने कहा कि सामान अब सब ला के रख दो। एक्चुअली मुझे इन चीज़ों का आइडिया भी नहीं है, मैंने सोचा सिमी को कॉल करके उसकी हेल्प ले लेता हूँ, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। कॉल क्यों करने, सिमी यहाँ नहीं है? यहाँ क्यों होगी? लेकिन वो रूही को लेकर निकली है, कहके कि शॉपिंग जा रही है, तो मुझे लगा कि शायद। अच्छा तो तुम चेक करने आए थे कि ऐसा तो नहीं सिमी रूही को निखिल से मिलाने के लिए यहाँ पर लेकर नहीं आई है? इतना तो भरोसा कर सकते थे रमन, तुम फोन कर लेते मैं बता देता। आई नो बहुत सेंसिटिव मामला है, तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम चलो घर पे नहीं, एक बार देख okay. एक बाप होने के नाते मैं सिर्फ अपनी बेटी को लेकर बहुत कंसर्न हूँ यार। रोही को लेकर सभी परेशान हैं रमन, और तुम चलो तुम घर चलो। इट्स ओके आई ट्रस्ट यू, सॉरी मैं चलता हूँ। ट्रस्ट मतलब रमन तुमको भी मुझ पे ट्रस्ट होने लगा? अच्छा है अब स्ट्रेस दिस हो, तुम्हारे और इशिता जी के बीच का सारा ट्रस्ट खत्म कर दूंगा मैं, और ऐसा खत्म करूंगा कि तुम बस देखते जाओ। तुमने रूही को सिमी के साथ क्यों जाने दिया? क्योंकि वो बुआ है रूही की, हम ऐसे रिश्तेदारों पे शक तो नहीं कर सकते हैं यार। रिश्ते की बात नहीं है ये, मैंने कहा था ना कि वो घर में रहेगी, तो उसे घर में रहने देना था, सिंपल। नजर बंद करके रखे उसे, कमरे में बंद करके रखेंगे क्या? रूही बड़ी हो गई है और मैंने रोका था, अब रोकने के बाद भी रमन ने भी बोला कि नहीं जाने दो। रमन के पास दिमाग नहीं है, लेकिन तुम्हें तो अपना दिमाग यूज करना चाहिए। सिमी परम की बीवी है एंड निखिल परम के घर पे रह रहा है, और तुम्हें उन दोनों का पता है ना, उनकी हिस्ट्री पता है ना, तुम क्यों कैरिड अवे हो जाती हो? आई जस्ट डोंट गेट इट। शगुन ऐसे क्यों बोल रही है, सिमी पे इन्हें गलत इल्जाम नहीं लगा तू? सिमी और रूही परम क्या नहीं है, मैं चेक करके आ रहा हूं। तुम्हारे कहने के बाद मुझे लगा कि शायद हो सकता है, बट तसल्ली करके आना नहीं है वो लोग वहां पर। सुन लिया तूने, हो गई तेनु भी तसल्ली, कलेजे में ठंड पै गई। मम्मी जी टेंशन हो जाता है क्योंकि अभी अभी रूही से ऐसी लड़ाई हुई थी और फिर उसका घर से बाहर जाना, इसीलिए। कोई जरूरत नहीं है टेंशन की, देख पुत्र वो अगर तेरी बेटी है ना तो मेरी भी पोती है, हमारा खून है, वो सिमी की भतीजी है, पर हमें तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है। और तू तू लोगों की बातें सुन रही है ना, अब इसकी बातें सुनी तो इसकी बातों में आ गई तू। आपको जो कहना है कहिए, जब तक रूही नहीं आ जाती मैं तब तक यहीं रुकूंगी। अरे शगुन सिमी है उसके साथ, व्हाई यू स्ट्रेसिंग? आई डोंट केयर यार, मुझे नहीं पता कि उनका क्या है, मैं यहीं पर रुकूंगी जब तक रूही नहीं आ जाती, दैट्स इट। चाय। थैंक यू।
तुम्हें पता है रूही अभी तक घर वापस नहीं आई है। घर नहीं आई मतलब? मतलब रूही सिमी बुआ के साथ शॉपिंग करने गई थी, सुबह से गई है एंड लुक एट द टाइम, अभी तक दोनों वापस नहीं आए हैं। कब से हम सभी फोन कर रहे हैं, उनका फोन नहीं मिल रहा है। वो इतनी रिस्पॉन्सिबल तो हो नहीं सकती। आई जस्ट होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हो पता नहीं कहाँ पे है दोनों। आदि ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सा तरीका है आलिया? वही मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ये क्या तरीका है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे इग्नोर कर रहे हो। आलिया तुम्हें नहीं पता इस टाइम मुझ पे कितना प्रेशर है यार काम का। रूही घर पर है, पापा ऑफिस नहीं आ रहे हैं, चाचू इस वक्त सारी फैक्ट्री विजिट संभाल रहे हैं और ऑफिस की सारी प्रेजेंटेशन सारी मीटिंग्स मुझे हैंडल करनी पड़ रही है। आदि आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट अस? तुम्हें हर किसी चीज की फिक्र है लेकिन तुम्हें घर वालों की फिक्र है, तुम्हें मेरी फिक्र है, रूही की फिक्र। अरे बस यार आलिया, क्या लगा के रखा है? ये फिक्र नहीं है, फिक्र नहीं है, कब नहीं हुई फिक्र? आलिया मैं अच्छे से जानता हूं इस वक्त घर में क्या माहौल है, सब लोग कितने टेंस्ड है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं भी घर पे बैठ जाऊं, काम वाम छोड़ दूं। अगर इस वक्त मैं भी घर पे बैठ जाऊंगा, काम छोड़ दूंगा, तो कौन काम करेगा भाई? तुम काम करोगी? हाँ, घर पे बैठ के क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। आज शाम को घर जल्दी आया हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि शांति से बैठ के काम कर सकूं, लेकिन लगता नहीं है काम कर पाऊंगा। यहाँ पे ना किसी को भी हार्डवर्क का मतलब पता नहीं है। ओह रियली? आदि प्लीज डोंट गिव दिस टू मी कि किसी को मतलब नहीं पता हार्डवर्क क्या होता है। अकेले तुम नहीं उस दुनिया में जो काम करता है, मैंने भी ऑफिस में काम किया, मुझे भी पता हार्डवर्क क्या होता है। बट आई नो कि फैमिली को भी टाइम देना होता है जो तुम नहीं देते हो। अरे I'm sorry. अच्छा तुम सही हो मैं गलत हूँ, पर प्लीज लड़ मत यार मुझसे। ओए मद्रासन लड़ मत, थोड़ा जरूरी प्रेजेंटेशन बनाना है बस, थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगा फिर अच्छे से बात करते हैं प्लीज। अरे आलिया रिलैक्स यार, रूही आ जाएगी, काम डाउन। कैसी चौकीदार नहीं बनी हुई है, जैसे और किसी को तो चिंता ही नहीं है घर में, हर गल का फैसला ये करेगी। माँ प्लीज यार फिर से यार सैपा मत करो। फाइनली आ गए तुम लोग। चलो आगे बढ़ो। आ गए लोग सोच रहे होंगे कि मैं इनके साथ क्या कर रहा हूं। अरे मैंने कॉल किया था सिम्मी को तो ये मार्केट में ही थी, तो इनसे मैं वहां पे मिल लिया, उसके बाद ये तो शॉपिंग करने लगे, मेरी शॉपिंग खत्म हो गई। किसी ने सही कहा है कि भाई औरतों के साथ में शॉपिंग करना है ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना जैसा। शॉपिंग की है तो शॉपिंग बैग्स कहां हैं? क्यों मार्केट में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिला? शगुन इंटरेस्टिंग तो बहुत कुछ था, पर वो क्या है ना कि मैं किसी सीईओ की बीवी नहीं हूँ जो शॉपिंग में ऐसे पैसा खर्च कर देती है ना, तो इसलिए जो पसंद आया वो बजट में नहीं था इसलिए नहीं लिया। मैं बहुत देर से तुम दोनों को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, क्या हुआ था, रिसीव क्यों नहीं किया? साइलेंट था, सुनाई नहीं दिया। रूही मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं अपने रूम में जा रही हूं। रूही व्हाट इज रॉन्ग? ये क्या है, आटा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।